1, 2, 3, call me. That said, your bad seat is at day. वेलकम टू श्वेता व्लॉग्स। तो आज हम यहाँ पे आए हैं लूलू मॉल, विच इज अ मोस्ट फेमस हाइपरमार्केट इन बैंगलोर राइट नाउ। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये, ह्यूज वाला। एक्चुअली ये है हाइपरमार्केट, बट इसे मॉल तक तरह हम ट्रीट करते हैं। बट दिस इज द मोस्ट फेमस प्लेस राइट नाउ टू हैंग आउट। तो दिस मॉल ये जब स्टार्ट हुआ वो है अक्टूबर 2021 11th को स्टार्ट हुआ है, और ये ग्लोबल मॉल्स ने स्टार्ट किया है राजा जी नगर में, विच इज़ नियर टू सुजाता थिएटर। और आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पे, एंड यस देर इज अ लॉट थिंग्स टू सी हियर। और आप देख सकते हो क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो दे हैव डेकोरेटेड विद ए ह्यूज ट्री हियर, क्रिसमस ट्री। तो सब वहाँ पे दे आर चिलिंग आउट, टेकिंग फोटोज एज वेल एज मैंने भी थोड़े ले यहाँ। एंड यू कैन सी द पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। इफ़ इट इज वीकेंड्स यू हैव टू बी रेडी टू पार्क योर व्हीकल्स आउटसाइड। मुझे तो नहीं मिला पार्किंग टू व्हीलर का, एंड आई हैड टू लिटरली गो अराउंड, और कोई लेन में मैंने पार्क करके वॉक करके यहाँ पे आई हूँ, बिकॉज इट इज़ टू क्राउडेड। और वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो फुल था, तो दे विल जस्ट सेंड यू। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सी दिस, यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दैट, और आप कहीं भी पार्क करके थोड़ा वॉक करके यहाँ पे आ सकते हो। सो दिस इज द एंट्री, मॉल का एंट्री जो है वो है ये, एंड दे हैव डेकोरेटेड वेरी नाइसली एज ऑफ नाउ फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर। और यहाँ का एक ये है, यू हैव टू फॉलो विदाउट फेल, कि जब भी आप लूलू मॉल आने के लिए सोचते हो तो एज ऑफ नाउ यू हैव टू कैरी आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना पड़ेगा एंट्री के लिए। अगर हार्ड कॉपी है तो यू कैन ब्रिंग द हार्ड कॉपी, अगर सॉफ्ट कॉपी है तो यू कैन ब्रिंग सॉफ्ट कॉपी, बट विदाउट दैट आपको एंट्री नहीं मिलेगी। You have to just wait there. So उसे देखते ही वो अंदर छोड़ेंगे, अगर नहीं दिखाया तो you have to stay there. तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके I told him to send the link, and I just downloaded the certificate there itself, and I managed उनको दिखाया। और उसके बाद there will be bags checking, everything scanners, वो सब होता है। And as soon as you enter, you can see how beautiful it is. ऐसा लगता है कि ये हमारा बैंगलोर का मॉल नहीं है कोई दुबई वुबई का है, तो इतना बड़ा मॉल है, एंड दे हैव डेकोरेटेड वेरी वेरी नाइसली। तो ये जो मॉल है लूलू मॉल, ये बनाया है इंटरनेशनल ग्रुप ने। इसका जो मेन ये है ब्रांच है वो है UAE में। तो बच्चों के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, इफ़ यू हैव पेरेंट्स विथ यू सो यू कैन जस्ट दे कैन शो दैट। अगर ग्रुप में हो तो दो तीन लोग दिखाएंगे तो दे विल लीव यू। और मास्क इज़ मैंडेटरी, मास्क के बिना अंदर नहीं छोड़ते। यस सो दिस इज लाइक इंटरनेशनल मॉल। तो इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है अबू धाबी UAE में, एंड दे हैव मोर देन 22 कंट्रीज में इनका हाइपर मार्केट्स और सुपर मॉल्स है। सो इट इज़ वेरी लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स, और ये है ग्लोबल मॉल्स का इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है ये फोर्ब्स में टॉप 100 में 3rd रैंक में आता है लूलू मॉल ग्रुप का। और ये जो है ये डिलोटी ने वाले भी इनको ग्रेड किया है एज फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर्स। तो बहुत ही इनको ये प्रोत्साहन मिला है, एंड कंपनी इज मेकिंग एन इम्पैक्ट इन अरब वर्ल्ड। तो अरब में तो इन्होंने छा लिया है, अभी ये आए हैं इंडिया में। सो एंड वी फील वेरी प्राउड बैंगलोर में हुआ है, एंड इट इज़ वेरी नियर राजा जी नगर में। तो साउथ बैंगलोर में आके देखने के लिए ये एक बड़ा फैसिलिटी है। तो यस आई तो स्टार्टेड लविंग इट। और ये देख सकते हो लूलू मार्केट जो है वो ग्राउंड फ्लोर में ही है, एंड यस यू नीड लॉट एंड लॉट ऑफ पेशेंस टू गो अराउंड। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और जब क्राउड इतना हो जैसे कि मेला लगा हुआ हो तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को लेके, एंड टू गो अराउंड, एंड यू शुड बी सेफ इनफ। और थोड़ा इसके बात करेंगे तो ये है एज ऑफ नाउ इसको बनाया गया है 14 acres के अंदर एरिया में,
और ऑलमोस्ट 132 स्टोर्स हैं यहाँ पे, पूरे 5 फ्लोर्स का फैसिलिटी है. सो यू हैव टू गो अराउंड 5 फ्लोर्स और उसमें टोटली 132 स्टोर्स है. तो 17 कियोस्क के जो ब्रांडेड कियोस्क लगते हैं वो, एंड यस इट्स अक्रॉस 8 लाख स्क्वायर फीट दे हैव यूज्ड टू बिल्ड दिस फैसिलिटी. तो बहुत ही बड़ा है एंड नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं एज दे आर लाइक ओपनिंग नाउ, सो देर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस. बट यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि आप देखते ही आपको ये लगने लगता है कि इतना सारा एक साथ आप देख लेते हो ना, तो आपको लगेगा अरे क्या यार क्या परचेज कर रहे हैं यहाँ पे. बट इफ यू आर ब्रांड फ्रीक और आपको पर्टिकुलरली ब्रांड चूज करते हो तो इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स अवेलेबल है और डेकोरेशन आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है ड्यू टू न्यू ईयर एंड यस न्यू ईयर एंड क्रिसमस. सो बहुत ही अच्छा है एंड यू शुड विजिट वंस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट इज सो फन. और आप कुछ भी खरीदना नहीं चाहते तो भी यहाँ पे आ सकते हो, फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ डेकोरेशन राइट नाउ डिस्प्ले किया हो गया है. एंड वी वेर सो कंफ्यूज्ड कि कहाँ से स्टार्ट करें, सो फाइनली वी डिसाइडेड कि लुलु मॉल है तो लुलु हाइपर मार्केट से ही स्टार्ट करें. तो इट इज़ अ वेरी बिग फैसिलिटी और लुलु मार्केट जो है वो ग्राउंड फ्लोर में है एंड यू कैन गो इन. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप यू वांट टू एंटर ए शॉप, आई मीन हाइपर लाइक लुलु मॉल जो है उसके अंदर हम जाना चाहते हैं तो यू हैव टू शो योर एज यूजुअल चेकिंग होता है, तो जो बैग होता है आपका तो उसको वो सील कर देते हैं प्लास्टिक स्ट्रिप से. सो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने जो वैल्यूबल्स होते हैं जैसे कि वैलेट पे करना है एंड में, और अगर आपके कीज़ है वो सब आप निकाल लो जो इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि बैग जब लॉक हो जाता है तो ओपन करने के लिए इफ़ यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग देर इज़ नो अदर फैसिलिटी, यू हैव टू गो टू सम गार्ड एंड रैंडमली आस्क टू कट इट. मेरे साथ वही हुआ, वी जस्ट बॉट वन और टू थिंग्स तो एंड में आई फॉरगॉट टू कट इट एंड मुझे फिर से ऑफिस जाना पड़ा बिकॉज माई कीज़ वर इनसाइड. सो वहाँ आई टुक ए हेल्प ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड टू ओपन इट एंड देन आई हैड टू टेक माई कीज. सो बी केयरफुल इफ़ यू हैव एनी इम्पोर्टेंट थिंग्स वो आप हाथ में रख लो एंड देन यू कैन गिव द बैग फॉर सीलिंग. तो ये है लुलु का मॉल का आई मीन हाइपर मार्केट के अंदर. यहाँ पे हमने फैशन जो सेक्शन है वहाँ से एंट्री ली, तो यू कैन सी यहाँ पे स्टेशनरी से लेकर कुछ भी आप जो भी आपके माइंड में आता है सब कुछ मिल जाता है. सो यू शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस टू गो अराउंड क्योंकि इतना बड़ा है, आपको एक चीज़ कुछ लेना है तो ऑलमोस्ट अनलेस यू नो वेयर इट इज़. सो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम में तो
ये होने वाला है नहीं अंडरस्टैंड, तो यस यू हैव टू गो अराउंड। और यहाँ पे मुझे ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्रांडेड काउंटर्स लगे हुए हैं, ऑल द ब्रांड्स, कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स, एंड यस इट लुक सो नाइस। और मेरा फेवरेट है ये वाला एवॉन का। और ये है यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो सब कुछ मिल जाता है, एंड यू विल गेट रियली 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 कन्फ्यूज कि आपको खरीदना क्या है। और ये है मेरा फेवरेट सेक्शन एवॉन का, एज आई ऑलवेज टेल आई एम एसोसिएटेड विद एवॉन। तो ये है हमारी कंपनी का काउंटर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी इट बिकॉज बड़े बड़े जो कंपनी से उसके साथ हमारा भी काउंटर है, तो यस वी रोल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार काउंटर कैसा है, दे हैव टू बार काउंटर्स डिस्प्लेड हियर। तो अगर आपको कोई भी कंपनीज का टेस्ट लेके यू वांट टू जस्ट टेस्ट इट एंड देन बाय यू कैन हियर, सो ऑल द ब्रांड्स विल बी अवेलेबल। सो आपको एक एक शॉप में नहीं जाना पड़ेगा, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। तो फ्लोर बाय फ्लोर वी आर गोइंग एंड इट इज़ लाइक सो ह्यूज, आपको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऑलमोस्ट वन डे यू कैन स्पेंड हियर इफ़ यू रियली वॉन्ट टू एंड इफ यू हैव अ गुड कंपनी, फ्रेंड्स जैसे कि फैमिली, तो यू कैन एक्चुअली स्पेंड वन डे फुल। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ एंड यस देर इज़ अ वेरी 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 फेमस प्लेस हियर विच इज़ वेरी वेरी हाइप्ड आउट की इट इज़ सो बिग एंड इट इज़ जस्ट फॉर
लाइक मिनी वंडरलैंड. सो ये है फनचूरा. सो फनचूर जो है इट इज़ स्प्रेड अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट. तो इसको बनाया गया है एंड यस इट इज़ एट द लास्ट लाइक फिफ्थ फ्लोर. तो यू कैन सी सो मच अट्रैक्शन हियर. बच्चों के लिए तो ये जस्ट लाइक वंडरलैंड और वंडरला की तरह ही दिखता है. इट इज़ लाइक अ मिनी वर्शन ऑफ दैट. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, जैसे कि दे हैव ए रोलर ग्लाइडर, टैग अरेना है और एडवेंचर कोर्स है, ट्रैम्पोलिन है, वीआर राइडर्स है, 90 थिएटर है. ये अभी तक का लार्जेस्ट इंडोर एंटरटेनमेंट जोन है इंडिया में. तो आउटडोर आपको मिल जाएंगे बट इंडोर का जो गेमिंग का जोन होता है इससे बड़ा अभी बना नहीं है. सो यू विल फील दैट वाइब्स. आप जैसे ही एंटर करोगे यू विल सी सो मच थिंग्स जो आपको देख के ही लगेगा कि वाओ. तो ये है क्राउड जो आपको जाना पड़ेगा बीच बीच में जगह बना के. एंड दे हैव दिस एंटायर थिंग, आप देख सकते हो हॉर्स राइडर क्यूट है. सो सच ए बिग थिंग टू सी एट. और फोटोज के लिए तो हेवन की तरह दिखता है क्योंकि जहाँ भी आप देखो कलरफुल लाइट्स ब्लिंक होते रहते हैं एंड द फैसिलिटीज सो गुड. अगर आप उसमें कुछ करने वाले है भी नहीं तो भी आप विजिट करो, यू विल रियली फील एक्साइटेड अमेज्ड टू सी हाउ दे हैव बिल्ट इट. अगर ग्रुप में आओगे तो और भी बहुत एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग होगा. एंड दे डोंट हैव एनी काउंटर्स टू आई मीन टेक द टिकट, बाय द टिकट एंड गो इनसाइड. बट एक काउंटर है जहाँ पे बिलिंग काउंटर होता है, वहाँ पे आपको शायद कार्ड लेके यू हैव टू रिफिल इट एंड देन यूज इट. बट इतना बड़ा क्यू था जब हम गए थे, सो आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक गोइंग फॉर एनी राइड्स. Me and my daughter were like literally like we were just seeing. इतना देखने के लिए ही था तो जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला. Because you need lot of time for all that. Because एक एक लाइन में 20 to 30 people were waiting for the rides. So we really didn't wanted to do that. और मेरे बेटा भी नहीं आया था तो we thought next time when we come we'll go for this. As of now we are just enjoying them and trying to know the facility कि क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या हम कर सकते हैं and what all we can try next time. तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है वो है रोलर ग्लाइडर. आप देख सकते हो ऊपर दिल फिक्स यू, आई मीन दे विल स्लाइड यू फ्रॉम टॉप. तो यहाँ पे एक स्लाइडिंग एरिया है जहाँ पे आपको टंगाया जाता है एंड यू कैन जस्ट गो अराउंड द फैसिलिटी ऑन टॉप ऑफ द लाइक टॉप ऑफ द रूफ. सो यू कैन सी एवरीथिंग. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे है कॉर्नर में, तो वहाँ पे दे विल पुट ऑल द सेफ्टी गियर्स और आपको रोल करके छोड़ देंगे एंड यू कैन गो ऑल अराउंड द फैसिलिटी फॉर ए राइड. और यस देर इज़ अ रॉक क्लाइंबिंग दैट दिस एंड एवरी थिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस देर. तो हम वहाँ से बाहर तो आ गए एंड वी आर लाइक लिटरली लास्ट फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड वी आर सो हंग्री ऑल्सो. तो अभी हमें फूड कोर्ट को एक्सप्लोर करना है और जो भी अदर थिंग्स है वो एक्सप्लोर करना है. एंड येस इट इज़ वेरी बिग, सो यू विल हैव टू हैव पेशेंस टू गो अराउंड. बच्चे अगर साथ हैं तो यू हैव टू टेक केयर बिकॉज गुम हो जा सकते हैं अगर यू डोंट रियली होल्ड ऑन टू देम.
तो यहाँ पे एक और सेक्शन है आर्टिजन्स पॉपअप सेक्शन करके, जहाँ पे जो स्टॉल्स लगते हैं, जो आर्टिजन्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, या होम मेड हैंडमेड जो आइटम्स होते हैं, यहाँ पे सेल लगता है. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम रियली कूल स्टफ, यू कैन कम टू दिस सेक्शन. और यहाँ पे ऑलवेज देर विल बी सेल्स गोइंग ऑन, सो दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सेक्शन. और उसके बाद आता है हमारा फेवरेट सेक्शन जो है फूड सेक्शन. तो यहाँ पे जो फूड कोर्ट है वो बहुत ही बड़ा है. ओवर दे हैव 23 आउटलेट्स जो फूड कोर्ट में है वो. और अपार्ट फ्रॉम दैट है रेस्टोरेंट्स और कैफेज एक्स्ट्रा है जो पूरे फ्लोर्स में है, बट ये टॉप फ्लोर में है. एंड यू हैव मोर देन 23 आउटलेट्स जहाँ पे आपको जो भी चाहिए, जो भी ब्रांड का चाहिए, आप चूज कर सकते हो. इफ़ यू आर लिटरली वेरी चूजी अबाउट योर फूड एंड ब्रांड, यू कैन कम ओवर हियर एंड हैव इट. अगर आपको आराम से रिलैक्स होकर रेस्टोरेंट में खाना है या कैफे में बैठना है, तो देन यू कैन फाइंड सो मेनी कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स इन द फ्लोर. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब ये बहुत ही क्राउडेड होता है, तो यू कांट गेट चेयर्स एंड टेबल्स, लिटरली यू हैव टू वेट. जब जो कोई अगर उठ के चला जाता है तभी मिल सकता है. वी ऑलमोस्ट पुट 2 to 3 राउंड्स टू गेट वन टेबल एंड चेयर फॉर आवरसेल्व्स. सो यू शुड रियली हैव पेशेंस, बिकॉज फूड तो मिल जाता है पर बैठ के खाने के लिए यू हैव टू वेट. सो दैट इज़ द थिंग व्हेन इट इज़ टू क्राउडेड. वीकेंड्स में आओगे, वीकडेज आई डोंट नो हाउ इट विल बी. एंड दिस इज़ द एंटायर लुक ऑफ द मॉल, आप देख सकते हो. एंड लिटरली वी हैव फिनिश्ड ऑल द फ्लोर्स एज ऑफ नाउ, एंड वी आर प्लानिंग टू गो बैक. ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका है. एंड यस, so this is the entire mall, and yes we are on the first floor. And यहाँ से आप ले सकते हो actually जो ये है यहाँ से लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन यूज़ दिस. सो यहाँ से पूरा आपको व्यू ग्राउंड फ्लोर का दिखता है, एंड इट रियली लुक्स नाइस. तो एलिवेटर आप यूज़ कर सकते हो टू गो अराउंड, जहाँ पे आपको लिफ्ट नहीं यूज़ करना है. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, द एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ है. तो यस, इट लुक्स रियली नाइस. तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया लुलू मॉल विजिट करके, एंड द फैसिलिटी इज़ रियली वर्थ विजिटिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.